तो फिफ्थ एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट। ठीक है, तो सपोज करो आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है कुछ ऐसी, ये मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं इनफाइनाइट शीट का, तो ये इनफाइनाइट शीट है, यहां बनाता हूं मैं इसे, ये रही, ये आपके पास इनफाइनाइट एक शीट है ऐसे। तो इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरीके से है, मैं डॉट 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 करंट दिखा रहा हूं, शीट के अंदर करंट ऐसे जा रहा है, इनफाइनाइट है, रुका नहीं है, आपको अंदर से दिखा रहा हूँ कैसा डायग्राम है, ये शीट ऐसे चलती जा रही है और इसमें इनफाइनाइट शीट है, लंबाई बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी शीट है, अंदर करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, करंट इसमें ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपको बी मान लो यहाँ पे निकालना है और बी यहाँ पे निकालना है, कहीं पर भी ऊपर नीचे कहीं पर भी दोनों पॉइंट पे एक ही बात है। तो जहाँ पर आपको बी निकालना है क्या रूल है, ड्रॉ अ क्लोज्ड पाथ, ताकि ऐसा बनाओ कि उसमें से वो लाइन जरूर क्रॉस करे क्लोज पाथ की। तो क्लोज पाथ ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये एक क्लोज पाथ ले लिया मैंने, ये देखो ये क्लोज पाथ है, ये रहा ये रहा। ठीक, तो क्लोज पाथ है मान लो ए बी सी एंड डी, इमेजिनरी क्लोज पाथ है, ये भी क्लियर है। अब वायर की लंबाई तो बहुत है, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर जो इसकी लंबाई ली, लेंथ ली, वो सिर्फ एल लेंथ ली। तो सपोज ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ एल है, ये जो लेंथ है वो कितनी है, वो एल है, यहां तक क्लियर है, यहां तक तो एल लेंथ है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, आप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर निकालेंगे और इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे क्लोज पाथ की। अब क्लोज पाथ चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, आप बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर निकालेंगे चार बार, b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर एंड b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, कहां से कहां तक, a से लेके b तक, b से लेके c तक, c से लेके d तक, d से लेके a तक, राइट। ठीक है, यहां तक। आगे चलने से पहले एक चीज बताएं, अगर करंट बाहर है ऐसे है तो इस पॉइंट पर b की डायरेक्शन कहां होगी, की डायरेक्शन में क्या होगी ये बताएं, ऐसे लेफ्ट की राइट, करंट बाहर है वायर में, ये मान लो इमेजिन करो बहुत सारी वायर्स हैं, तो बी कैसे होगा, करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है तो बाहर है, तो बी कैसे होगा, लेफ्ट। यहां पर भी अगर कोई पॉइंट है तो बी कैसे होगा, लेफ्ट। यहां पे पॉइंट है तो बी कैसे होगा, लेफ्ट। जहां मर्जी ले लो इस वायर के ऊपर, कहीं मर्जी पॉइंट ले लो, बी ने हमेशा कैसे होना है, लेफ्ट। तो आप ये समझें कि बी की वैल्यू यहां पर कैसे होने वाली है, लेफ्ट, इस पे भी लेफ्ट, यहां पर भी लेफ्ट, यहां मर्जी लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे के किसी पॉइंट पे। तो अब करंट क्योंकि यहां पर बाहर है, तो अगर कोई पॉइंट लेट अस सपोज यहां पे है, यहां पे, तो बी कैसे होगा, राइट, करंट बाहर है तो बी कैसे होगा, राइट। यहां पे क्या होगा, राइट, यहां पे क्या होगा, राइट, राइट। तो ऊपर के सारे पॉइंट्स पे लेफ्ट है और नीचे के सारे पॉइंट्स पे राइट है, क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां तक तो बी वेक्टर आ गया यहां पर। अब एक चीज और बताएं मुझे इसमें, वो क्या कि अगर मैं ए बी लूं, ए बी, तो बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल मैं ए बी के लिए निकालूं इसके लिए, तो क्या आएगा, बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या है, यहां से यहां तक एल, तो सीधा लिख दूं बी इंटू एल। जब मैं ये लेंथ लूंगा तो बी वेक्टर या तो लेफ्ट है या राइट है, लेंथ के साथ इसका हमेशा एंगल क्या बन रहा है, 90। तो बी डॉट डीएल क्या होगा, नेक्स्ट पोजीशन का जीरो। जब मैं ये लूंगा सी से डी, सी से डी बी वेक्टर कहां है, लेफ्ट, और सी से डी जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, लेफ्ट, तो क्या होगा, बी इंटू अगेन एल, क्योंकि बी और एल में एंगल फिर से जीरो, क्योंकि बी लेफ्ट है, डिस्टेंस भी लेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट है। फिर यहां पर सेम डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में है, बी एक्स एक्सिस में है, तो फिर से क्या आएगा, जीरो। तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल पूरे इस क्लोज पाथ का क्या देगा, बी इंटू एल, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें। और लास्ट स्टेप है,
अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ. इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इस पूरे क्लोज पाथ का क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट आप इसमें पास कर रहे हो. अब कितना करंट पास कर रहे हो, इसको मान लो इसमें आप आई करंट पास कर रहे हो, मान लो टोटल करंट कुल मिला के कितना है इसमें आई, बस इतने पोर्शन में, सारा नहीं, सिर्फ यहां से लेके यहां तक आई करंट है. तो इनटू क्या करेंगे, यहां पर आई करंट कर देंगे, और तो कोई तरीका नहीं, आई करंट करेंगे इसमें, ठीक है यहां तक. अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक टर्म डिफाइन की गई है. क्या टर्म डिफाइन की गई है, लीनियर करंट डेंसिटी. बताता हूं क्या चीज है, पहले उससे पहले काम करें, इन्हें इक्वेट कर लें. 2 इंटू बी इंटू एल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट टाइम्स आई. तो बी की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल, ठीक है यहां तक. अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, इस टर्म का नाम है करंट पर यूनिट लेंथ, क्योंकि करंट कितनी लेंथ में पास हो रहा है, एल लेंथ में. तो ये क्या है, करंट पासिंग पर यूनिट लेंथ. तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर करंट डेंसिटी. एक आपने सुनी हुई है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होती है करंट बाय एरिया, पर लीनियर करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन लेंथ. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय टर्म लैम्डा, वेयर लैम्डा इज लीनियर करंट डेंसिटी. या कई बुक्स इसको रिप्रेजेंट करती है बाय टर्म जे, वही करंट डेंसिटी वाला, पर जे मेंशन करती है यहां पर करंट डेंसिटी नहीं है, यहां पर लीनियर करंट डेंसिटी है. तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लैम्डा यूज करता हूं, तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें प्लीज, फॉर्मूला बी का, इनफाइनाइट शीट का बी का फॉर्मूला म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 रहता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करें. राइट, तो ये वैसा ही है जैसे गॉस थ्योरम में शीट की वजह से ईनी निकालते थे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. जैसे इनफाइनाइट शीट, ये लॉन्ग शीट है, लॉन्ग शीट में ई का फॉर्मूला इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो आप पॉइंट पास लो या दूर लो शीट से, शीट में ई कांस्टेंट रहता है, बी भी कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी कांस्टेंट रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है इसमें, क्योंकि शीट इनफाइनाइट लंबी है, बहुत लंबी शीट है, फर्क नहीं पड़ रहा. राइट, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसे आ सकता है. ये देखो, जैसे सपोज करो, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको ये दो शीट्स देगा, ये पहली शीट है, ठीक है, जिसमें करंट है, और ये दूसरी शीट है. दो शीट्स देगा इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह, जिसके अंदर करंट मान लो बाहर की तरफ है, जिसमें मान लो करंट बाहर की तरफ है, इसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा और इसकी भी मान लो लैम्डा है, सेम है. क्वेश्चन है, बताओ इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर बी क्या होगा शीट की वजह से, ये शीट बी कैसे लगाएगी, करंट बाहर है तो बी कैसे लगेगा, लेफ्ट. तो लेफ्ट कितना लगेगा बोलो, लैम्डा, क्या था फॉर्मूला भी, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2. राइट, अब इसमें भी करंट बाहर है तो बी कैसे लगेगा, राइट. तो बी राइट कितना, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2. तो नेट आंसर क्या आएगा, 0. तो 0 आ गया यहां पे आंसर. अगर मैं यहां कहूं पी पॉइंट पर बी निकालो, तो इसकी वजह से बी कैसे है, लेफ्ट. इसकी वजह से भी बी कैसे है, लेफ्ट, क्योंकि ये भी करंट बाहर है लेफ्ट, ये भी करंट बाहर है लेफ्ट. तो लेफ्ट और लेफ्ट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 प्लस म्यू नॉट लैम्डा बाय 2. फिर ऐसी कोई पॉइंट यहां पर है, तो करंट अगर इसमें बाहर है तो बी कैसे है, मेरी तरफ है. इसमें करंट बाहर है, बी कैसे है, मेरी तरफ है. तो दोनों वेक्टर राइट बनेंगे, तो म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 इंटू 2 इज द आंसर. तो एप्लीकेशन समझ में आ रही है इसमें कैसे होगी, ऑब्जेक्टिव आएगा, ये सब्जेक्टिव एनसीईआरटी में नहीं आता. हाँ, ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेगा ऐसी शीट की प्रॉब्लम, फॉर्मूला ही लगाना है, इसमें करना क्या है. तो ये आपकी आखिरी एप्लीकेशन आपके असाइनमेंट में की हुई है, ये रही, सेम मैंने करवा दिया, आखिरी क्वेश्चन भी करवा दिया.